तो नमस्कार दोस्तों, पेजर नंबर क्या है आप नाम सुने होंगे पुष्पा फिल्म में, और यही पेजर का इस्तेमाल इजराइल ने ईरान के खिलाफ किया, वहां के 3000 आतंकवादियों को मार गिराया। क्या है ये पेजर और कैसे आतंकवादियों को मार गिराया और पेजर का इस्तेमाल क्यों ईरान कर रहा था, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो पेजर आप नाम से सुने होंगे, पेजर पहले यूज होता था जब हमारे यहाँ पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे। पेजर में आता था मैसेज और मैसेज से लोग अपने आप को कम्युनिकेट करते थे। जब फोन नहीं होता था, किसी को इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाना हो, जैसे पुष्पा फिल्म में आप देखे होंगे, जब उसे एक मैसेज आता है कि डेंजर है, अब वहां से आपको निकल जाना है, चंदन की जो लकड़ी है उसे छोड़ के आप निकल जाइए, तो चंदन का लकड़ी को आप देखे होंगे वो नदी पे फेंक देते हैं और सबको वहां से भागने की तैयारी करते हैं। तो यही पेजर होता था। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में भी देखे होंगे, जो फैजल खान का जो रोल किए हैं उसके पास भी एक पेजर अपना जहाँ बेल्ट लगाया जाता है वहाँ पर लगा रहता है। तो ये हुआ पेजर की बात। और पेजर पहले क्यों यूज होता था, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल नहीं होने के कारण लोगों को अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पहुँचाना है एक बल्क ऑफ नंबर के पास, एक समूह के पास, तो क्या करते थे लोग, पेजर का यूज करते थे, क्योंकि आपको बात नहीं करनी है, मैसेज ही आप पहुँचा दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। यही पेजर हुआ क्या कि लोगों का मोबाइल ट्रेस होने लगा। ईरान को पता चल गया कि जो मिसाइल जो यूज किया जा रहा है, जो इजराइल जो मिसाइल भेज रहा है वो ट्रैक कर रहा है आपका मोबाइल टावर से ट्रैक हो जा रहा है लोकेशन, और लोकेशन को ट्रैक करके मिसाइल को भेजा जा रहा है और वहां के आतंकवादियों को मारा जा रहा है। तो ईरान ने सोचा कि भाई ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, जो हमारे हेड आदमी हैं, उसको हम पेजर दे देते हैं। तो पेजर से होगा क्या कि मोबाइल ट्रेस नहीं होगा। पेजर से फायदा ये होता है कि आपका मोबाइल का लोकेशन, आपका घर का लोकेशन, आपका जो डेस्टिनेशन है वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मैसेज जाएगा, वो एक रेडियो की तरह। अब रेडियो मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक भाषण दे रहे हैं और रेडियो में आप सुन रहे हैं, तो रेडियो कौन कौन सुन रहा है ये ट्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक लोकेशन वाइज नहीं है, वहां पे टावर की जरूरत नहीं है, वो हर जगह टावर की जरूरत नहीं, एक लोकेशन से वो रोटेट होता है। तो सेम पेजर भी वही करता है, एक लोकेशन से ही वो पूरे जगह मैसेज भेज देता है। अब जब ये बात का पता चला इजराइल को, क्योंकि इजराइल ऐसा खुफिया एजेंसी तैयार कर रखा है, जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसका नाम है मासूद ने ऐसा एक खुफिया एजेंसी बनाया है कि ईरान में क्या क्या हो रहा है वहां सब उसे पता चलता है। अब ईरान का जो चीफ कमांडर है वही इजराइल का खुफिया मैसेंजर देने वाला है। अब यही चीज जब इजराइल को पता चला कि पेजर का यूज होने वाला है और 3000 पेजर बनाने के लिए, क्योंकि ईरान जो है उतना डेवलप कंट्री है नहीं, उतना उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो दूसरे देशों से बनवाता था पेजर, और वो बनवाने के लिए दिया ऑर्डर हंगरी को। हंगरी को जब ये बात पता चला, चीफ एंड कमांडर इजराइल को जब पता चला, वो हंगरी से एक सेटअप करवाया, हंगरी से अपना किसी तरह से लिंक करा के वहां के पेजर में एक छोटी सी बम लगा दी गई उस पेजर में। अब पेजर है छोटा सा, इतना बड़ा, अब उसमें से 30 ग्राम एक बम फिट कर दिया गया। उस बम का नाम था पेट एन। अब वो बम इस तरह से तैयार था 30 ग्राम का कि वो वहां पे जिस तरह से जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा वो ब्लास्ट हो जाता था, ब्लास्ट हो सकता है। अब वो बैटरी के ठीक बगल में सेट होता था। अब वो 3000 पेजर में वो सारा बम को फिट कर दिया गया, 30 ग्राम बम को फिट कर दिया गया। अब जब पता चला कि सब सेट हो गया है, जब लोगों ने मोबाइल का फोन का यूज करना बंद कर दिया और पेजर का यूज करने लगे, अब इजराइल को यही चीज का इंतजार था कि सबके पास पेजर पहुंच गया और इसका सूचना उसे जो उसके खुफिया विभाग के आदमी थे उसे मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि
इजराइल को बताया कि अब सही टाइम है, आप इसे यूज कर लीजिए, नहीं तो इसमें से कुछ गड़बड़ी निकल रहा है जो अगर उसमें जांच होगा तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और ये फिर 3000 जो पेजर में हम लोगों ने ये सेटअप करवाया है, ये जो बम लगाया है, ये फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, इजराइल ने एक बड़ा सा मैसेज जो है भिजवाया किसी भी तरीके से, और वो वाइब्रेशन होने लगा, ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा। अब वाइब्रेट, जब ज़्यादा मैसेज आएगा तो वहाँ ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और आपको खोल के उस पेजर को देखना पड़ेगा। और ठीक ईरानियों ने वही किया, ईरान के लोग जो आतंकवादी थे वो उन लोगों ने वही किया, वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा मैसेज आया तो ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा ताकि ज़्यादा हीट हो जाए, और वो ज़्यादा हीट होने लगा। अब जैसे ही वो पेजर को खोला, देख रहा है कि मेरे पास ज़्यादा मैसेज आ रहा है, तो किसी का आँख उड़ गया। अब कोई नहीं खोल पाया तो किसी का किडनी उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया। तो इस तरफ से 3000 आतंकवादियों को इजराइल ने निपटा दिया। किसी का पैर गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी का आंख गायब है, किसी का किडनी गायब है, यानी वो जिंदा तो हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कि वो मर जाते, वो किसी काम के नहीं है। तो इसे कहा गया है, इसी को बोला जा रहा है पेजर ब्लास्ट। इस पेजर ब्लास्ट के जरिए 3000 आतंकवादियों को इजराइल ने इस तरह खत्म किया कि वो जिंदगी भर आप ना तो खा सकते हैं अच्छा से, ना तो पी सकते हैं, ना तो उठ सकते हैं, ना तो बैठ सकते हैं, ना तो किसी काम का वो रह गए हैं। अब हाल ही फिलहाल में आप न्यूज में आप सुने होंगे कि ईरान ने इजराइल पे 200 मिसाइल का अटैक करवाया, 200 मिसाइल इजराइल ईरान इजराइल पे अटैक करवाया, अटैक मिसाइल भेजा, लेकिन इजराइल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उसके मात्र एक आदमी बोल रहे हैं मारा गया और एयरबेस पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो आप इजराइल का टेक्नोलॉजी किस तरह से आप समझ सकते हैं, उसके पास है आयरन डोम, 200 मिसाइल जब मारा जा रहा है तो इसके पास भी 200 से ज्यादा 400 मिसाइल छोड़ेगा, और भी हवा में जितने भी मिसाइल थे वो हवा में ही वो मिसाइल को उड़ा दिया जाता है। तो उसके कुछ भी इजराइल को कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, मात्र एक आदमी मारा गया क्योंकि एक दो मिसाइल जो है ट्रैक नहीं हो पाया और वो एयरबेस पे जाके गिरा है, जिससे एयरबेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ और एक आदमी इजराइल का मारा गया। तो किस तरह से सेटअप तैयार किया गया है, किस तरह से पेजर ब्लास्ट तैयार हुआ है, ये इन सारे बातों को हमने विस्तृत जानकारी दे के बताया। कैसा रहा जानकारी, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।